तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं मेरे दोस्त की वेडिंग फिल्म स्क्रीनिंग के लिए। अभी ये वेडिंग हुई थी लास्ट ईयर, बट फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है आज। क्यों? क्योंकि इनको ही मिला है फिल्म एडिट करके 2-3 महीने पहले। आई एम कंसिडरिंग ये इतने बड़े मूवी बफ है, ये तो होना ही था कि ये खुद भी पिक्चरें बहुत देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। ये अल्टीमेट मूवी बफ्स है, लेजिट मूवी बफ्स। और आई एम एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म, बिकॉज मुझे ही पता है कि ये लोग ने वेडिंग पे इतना ज़्यादा एफर्ट लिया था, दिख रहा था सब कुछ, वो लोग ने कितना ज़्यादा खर्चा किया है, टाइम, एफर्ट, एवरीथिंग। आई एम कंसिडरिंग युगांत, जिसने दोस्तों को वड़ा पाव भी नहीं खिलाया आज तक, और उसने इतना सब कुछ किया। ये लाइन बस मैंने मारी थी, ऐसा डायलॉग मारा था मैंने, मेरा जब भी कोई वेडिंग के बाद इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने ऐसा ही कुछ डायलॉग मारा, बस आई होप कि वो फिल्म में ना आ जाए, बड़ी बेइज्जती होगी। सो एज यूजल मैं हो गया वो लेट, अभी निकलने का टाइम आ गया एंड इट्स ऑलरेडी 5 o'clock। 5 o'clock की स्क्रीनिंग है, वो भी माटुंगा में, तो यहाँ से तो 1-1.5 घंटा ट्रैवल है, चलते। एक्चुअली और एक चीज़, ये वेडिंग के बाद होने वाला डिनर और उसके बाद होने वाली आफ्टर पार्टी और आफ्टर पार्टी के बाद होने वाली आफ्टर पार्टी वाली की आफ्टर पार्टी। भाई एंट्री करते ही मेरा सीन चालू हो गया। Or anything on that song. So basically she enjoys all of his company and that is how I know that she truly loves him. अभी काबिले तारीफ तो था इनका डेकोरेशन और अरेंजमेंट जो इन्होंने हमारे लिए किया था, और सबसे बेस्ट पार्ट थी इन्होंने जो हमें सुविनियर दिया। था क्या, लोगों ने मचा दी कहर डांस फ्लोर पे, लेकिन इश्मित कोई बिना नशे के ऐसे कैसे नाच सकता है यार। हम लोग आ गए अभी आफ्टर पार्टी की आफ्टर पार्टी के लिए। एंड विद दैट इट्स अ रैप अप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड युगांत एंड रुतिका, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस बिल्ड दिस वंडरफुल मेमोरीज एंड दिस सोवेनियर।
थैंक यू सो मच, बट सवाल तो एक ही है कि युगांत इतना खर्चा किया कैसे? तेरे को पता है स्मित ने क्या बोला? इनका एक साल हो गया बट इनके फंक्शन खत्म नहीं हो रहे।